1,00,000 पार्टी समर्थक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है और सब महानगर कोलकाता से ही पार्टी समर्थकों की भीड़ आई हुई है। हर वार्ड से रैली की शक्ल में भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है और आइए चलते हैं यहाँ पे कुछ पार्टी समर्थक से बात करते हैं कि आज का कार्यसूची क्यों लिया गया। आज आप लोग वार्ड 45 की तरफ से कितने समर्थकों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है? वार्ड 45 से कितने लोग आए हैं यहाँ पे? वार्ड 45 से लोग यहाँ कम से कम 500 आदमी आए। 500 आदमी आए के नेतृत्व कौन कर रहे थे? किसके नेतृत्व में आप लोग यहाँ पे आए? अच्छा, तो आज का जो कर्म सूची है इसका क्या क्या कारण है कि आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए? हम लोग यहाँ बंगाल में जो 100 रोज काम करने वाले जो हमारे लोग हैं मनरेगा में, उनका पैसा पिछले 2.5 साल से केंद्रीय गवर्नमेंट रोक के रखी है। क्यों रोक के रखी है इसका जवाब नहीं दे रही। जिसके लिए हमारे युवा नेता भारतवर्ष तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तमाम काउंसिलर MLA MP मिनिस्टर सब लोग दिल्ली गए, मगर वहाँ लोगों ने बात नहीं करके बेआईनी तरीके से वहाँ से कृषि भवन से अभिषेक बनर्जी को उठा करके जबरदस्ती गिरफ्तार किया और उनके साथ में गिरफ्तार किया। कुछ देर बाद में जाकर ये अनैतिक काम, ये गुंडागर्दी, ये केंद्र सरकार का गुंडाराज, इसके बाद में आज अभिषेक बनर्जी की आवाज पर, अभिषेक बनर्जी का आह्वान आज हजारों हजारों तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन घेराव करने आए हैं, राजभवन के राज्यपाल का घेराव करने आए हैं, जो बीजेपी का काम कर रहे हैं बंगाल को राज्यपाल बनकर के, उनका विरोध करने आए हैं, उनको आए हैं, उनको ये कहने आए हैं कि अगर बहुत जल्दी अनाउंसमेंट के लिए सरकार ने नहीं किया, नहीं दिया, तो हमने और ज्यादा बृहत्तर आंदोलन में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर यही आह्वान, यही आवाज बंगाल की जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, यही आवाज हम पहुँचाना चाहते हैं, यही आवाज बंगाल की युवकों तक पहुँचाना चाहते हैं, यही आवाज माता बहनों तक पहुँचाना चाहते हैं, यही आवाज छात्रों तक पहुँचाना चाहते हैं, यही आवाज बंगाल के सैनिकों तक पहुँचाना चाहते हैं। आज देखा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के पार पर यहाँ पे लाखों समर्थक पार्टी के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कलकत्ता के विभिन्न वार्ड से आप लोग 45 वार्ड से आए हुए हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं आज के कर्मसूची को लेकर? ये वार्ड हम ही लोग का है, 45 वार्ड में ही प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नर 45 वार्ड में पड़ता है जी। जिस तरह अभिषेक बनर्जी को बंगाल से दिल्ली में गए थे, वो मेहमान बन के गए थे, अपना पैसा मांगने गए थे बंगाल का, उनके साथ जो बदसलूकी किया गया, केंद्र का दलाल यहाँ बैठा हुआ है गवर्नर, उसको ज्ञापन देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। 45 वर्ष से कितने लोगों की समर भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है? 200 से लोग ज्यादा 45 समर, सबसे बड़ा बात 45 के संक्रमण पर ही, आप भी 45 के संक्रमण पर। आप लोग राजभवन पहुँच गए हैं, यहाँ पर आप लोगों का जो कर्म सूची था राजभवन घेराव का, यहाँ पे गवर्नर साहब तो नहीं है फिर भी आप लोगों ने अपना कर्म सूची को पालन किया, क्या बोलना चाहते हैं? अभिषेक बनर्जी ने हम लोगों को राजभवन घेराव करने को कहा, हम लोग पार्टी के निर्देश पर मानते हैं, अभिषेक बनर्जी के राजभवन का हम लोग राजभवन, अगर जिस दिन अभिषेक बनर्जी बोल देंगे इस दिल्ली के राजधानी का जो ऑफिस है राष्ट्रपति का, वहाँ भी चलकर घेराव करना है तो हम लोग यहाँ से वहाँ भी जाकर घेराव कर सकते हैं, लेकिन हम पार्टी के नेताओं का एक एक अक्षर हाथ पहनते हैं और उसी के आधार पर आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर।